हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ पर भर्ती निकल करके आई है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। और आपको पता है कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार, चाहे बिहार की बात करें, चाहे झारखंड की, चाहे भारत के किसी भी राज्य की, अगर इस विभाग में भर्ती निकल करके आई है, चाहे वो किसी भी टाइप की भर्ती हो, उसको सबसे बड़ी भर्ती में गिना जाता है। और मेरे हिसाब से अगर ये भर्ती, अगर आप इलिजिबल हैं तो आप इसको जरूर भरिए। और बिहार का सबसे अच्छा खासियत क्या है ना, ये भर्तियां जो भी निकलती हैं ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे निकलती है। अगर आप झारखंड की भर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल झारखंड के लोग अप्लाई करेंगे, और अदर किसी किसी स्टेट में ऐसा नियम बना हुआ है कि वहीं के स्टेट को मान्यता दी जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के किसी भी स्टेट से हो और किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ अपने एजुकेशन, सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कितना सीट आया हुआ है टोटल, कब से फॉर्म भराएगा, एजुकेशन कितना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, किस किस कैटेगरी में महिलाओं को कितनी एज दी गई है, कब तक आपकी जॉब होगी, वेबसाइट कौन सी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नंबर का वेटेज निकालना कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम नहीं होगा, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब काफी लोग हंस भी रहे होंगे कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, उसका भी फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया। और यहां पर मैं फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने से अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और आप अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लैंड रिकॉर्ड विभाग में भर्ती निकली है और पद का नाम है, पहला अमीन, दूसरा कानून को, तीसरा बंदोबस्त पदाधिकारी। ये तीन पद पे भर्ती निकली हुई है। अब देखिए, समझने का बहुत बड़ा फेर है। अब इन सभी का काम समझ लीजिए। अमीन, आप देखे होंगे जमीन वगैरह का नापी वगैरह, जो सिक्कड़ से नापते वगैरह है, गांव में आपने देखा होगा, अगर दो आदमी में झगड़ा हो जाता है तो अमीन को बुलाया जाता है कि भाई नाप दीजिए किसका कितना बिस्सा है या किसका कितना कट्ठा है। कानूनगो का काम होता है लेखपाल, जैसे बंदोबस्त पदाधिकारी है या फिर लेखपाल वगैरह का जो भी रिकॉर्ड होता है वो इसको रखना पड़ता है। तो ये एक अधिकारी का पोस्ट हो गया कानूनगो। बंदोबस्त पदाधिकारी आप जानते ही हैं कि जब चकबंदी वगैरह होती है तो उसमें बंदोबस्त पदाधिकारी के बिना आपकी चकबंदी नहीं हो सकती है। तो इन सब का अपना अपना काम है। अब गवर्नमेंट पता है क्या कर दी, पहले ये सब पद सरकारी गवर्नमेंट पोस्ट होता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है, संविदा के आधार पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, कि भाई 2 साल 4 साल तक हम रखेंगे, उसके बाद आप अपने घर जाइए, हम अपने घर, अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तो मान लीजिए 2 साल की जॉब है तो हम आपको 1 साल और बढ़ा देंगे या 2 साल और बढ़ा देंगे। अब देखिए, अब इसमें हो क्या गया है ना कि अब गवर्नमेंट के साथ साथ जो इसमें आवेदन करते हैं वो भी चालाक हो गए हैं कि ठीक है आप 3 साल के लिए हमको जॉब दीजिए, अगला साल सरकार बदलेगा तो हम तो फिर अपना जुगाड़ लगा ही लेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं और सरकार आती है तो बहुत सारी सरकार इन सबको परमानेंट कर देती है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपका भर्ती एक तरीके से बहुत अच्छी भर्ती है मेरे हिसाब से। आगे आप समझ गए होंगे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 9,357 सीट है टोटल, 9,000 पद है। अब ये छोटी मोटी भर्ती नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, फॉर्म आपका 21 अक्टूबर से चालू होगा और आज हो गया 19 तारीख, 2 दिन के बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा। और मेरा आपको सजेशन है कि जैसे फॉर्म चालू हो फॉर्म को भर जरूर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट पूरा एकदम स्लो हो जाएगी, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। 16 नवंबर लास्ट डेट है, इससे पहले पहले फॉर्म को भरिए और भर करके अपना टेंशन फ्री हो जाइए। अब भरने के लिए एजुकेशन क्या क्या मांगा गया है वो भी समझ लीजिए। देखिए, पहले पोस्ट की बात करेंगे, अमीन की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अमीन में सबसे ज़्यादा भर्ती निकली हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा लोअर लेवल का पोस्ट है, मतलब जमीन का नापना वगैरह पोस्ट लेवल है, लोअर है, लेकिन सैलरी लोअर नहीं है। कम से कम इसमें आपको 31,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और कहा जाता है ना कि पैसा दो ही चीज़ों में होता है, एक सोना में और दूसरा जमीन में। और आप आगे समझ गए होंगे कि अब कितना ये पोस्ट है, 8,244 टोटल पोस्ट है। एज होना चाहिए वो समझिएगा, एज बहुत लोग कंफ्यूज हैं, 18 से मिनिमम, कम से कम 18 साल आपका इसमें होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लड़के हैं जनरल कैंडिडेट में आते हैं तो 37 साल, मतलब 18 से लेकर के 37 साल की कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अभी 18 कब होना चाहिए, तो 1 जनवरी 1 तारीख को 2022 में आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, खास करके लड़के और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट।
अगर वही महिला कैंडिडेट हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो उनके लिए 18 से 40 साल दिया गया है, वो 18 से 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा 1/1/2022 को, मतलब 1 जनवरी 2022 को आपका 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा भी नहीं। और अगर यही SC ST में आते हैं तो 18 से 42 साल, मतलब इनको 3 साल की छूट, इनको 5 साल की छूट। और सभी के लिए अगर जनरल हैं, अदर किसी भी स्टेट के हैं, तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना होगा, तो 18 से 37 साल आपका एज होना चाहिए। एज बहुत अच्छा दिया गया 37 साल। एजुकेशन ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले क्या होता था, इन सब पदों के लिए ना मैक्सिमम 12th होना चाहिए या फिर नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन। लेकिन अब क्या किया है, यहाँ पर डिप्लोमा जोड़ दिया गया है, और डिप्लोमा वो भी किससे, सिविल से। अब इसमें क्या होगा ना कि बिहार के अधिकतर कैंडिडेट डिप्लोमा और सिविल से बहुत कम करते हैं, तो जो किए हैं उनका चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनेगा। और अदर स्टेट वो भी ध्यान दीजिएगा कि डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है 8,244 पद पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिएगा वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपका मेरिट कैसे बनेगा, वो भी बताऊंगा। दूसरा बात करेंगे कानूनगो की, ये सेकेंड नंबर कानूनगो 758 सीट है टोटल, 758 सीट, छोटी मोटी भर्ती नहीं है। और इसमें भी एज का यही सेम फॉर्मूला रहेगा जो आपका अमीन में है, 18 से 37 साल, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल, ये कोई नहीं बताएगा, आपको बता दे रहे हैं पुरुष कैंडिडेट के लिए। महिला हैं तो महिला और BC1 EBC वाले 18 से 40 साल तक, और अगर SC ST में आते हैं तो 18 से 42 साल तक आप आवेदन करेंगे, यही आपके लिए सेम रहेगा 1/1/2022। यहाँ पर देखिए एजुकेशन तो सेम है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांग लिया गया, मतलब एक्सपीरियंस अगर आपने प्राइवेट में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं पर भी आपने किया हुआ है इससे रिलेटेड काम वगैरह, या कोई अदर भी काम है आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस चीज़ को लगाइए और ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। थर्ड बात करेंगे तीसरे नंबर में बंदोबस्त पदाधिकारी। बंदोबस्त सबसे बड़ा लेवल होता है, और बंदोबस्त पदाधिकारी में 355 पोस्ट है, तो थोड़ा सा हायर लेवल का पोस्ट है, तो जितना हायर में जाइएगा थोड़ा सा आपको अनुभव एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अब यहाँ पर देखिएगा मिनिमम एज 18 साल था, चल रहा था अमीन में और कानूनगो में 18 साल तक अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन बंदोबस्त पदाधिकारी में 21 साल कर दिया गया है, मतलब 18, 19, 20 वाले नहीं करिएगा, 21 साल से लेकर के 37 साल तक, मैक्सिमम भी इतना ही दिया गया है, 37 से दिया गया, लेकिन 21 से 37 पुरुष कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं उनके लिए भी 21 साल 1/1/2022 को होना चाहिए, और 37 साल भी 1/1/2022, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 37 साल से ज़्यादा 1 जनवरी 2022 को नहीं होना चाहिए, मतलब इस साल जनवरी में आपका 1 तारीख को 37 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। महिला हैं और BC EBC में है तो 21 से 40 साल, और अगर SC ST में आते हैं तो 21 से 42 साल। एजुकेशन आपका सेम है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 2 साल का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए, ये आपका हो गया। थोड़ा सा मैं सैलरी की बात कर ही लेता हूँ, आप लोग सोच भी रहे होंगे, देखिए कम से कम यहाँ से आपको 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम, हम कम से कम की बात कर रहे हैं, 30-35 से लेकर के 56-60-90 तक भी चले जाएगा, और बंदोबस्त पदाधिकारी में तो 56 से ऊपर ही बात कीजिए, 56-57-58-59-60-1 लाख जितना भी जाए वो आपका ऊपर है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ और भी आपको बेनिफिट मिलेगा, हर प्रति महीना आपको 4-4 हज़ार रुपया भी मिलेगा यहाँ पर आपको 1 साल तक, ठीक है। और जॉब जो होगी आपका 31 मार्च 2024 तक आपको इसमें जॉब मिलेगी संविदा के आधार पर। अब आपका परफॉर्मेंस अगर बढ़िया रहेगा तब आपका जॉब आगे बढ़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आवेदन करना पड़ेगा, जॉब लेने से पहले इस वेबसाइट पे आवेदन कीजिए, सभी स्मॉल में लिखिएगा https://state.bihar.gov.in/lrc, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, इस पूरे नोटिफिकेशन का मैंने आपको जो लिंक है ना वो PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 31 मार्च तक आवेदन कीजिए। अब एक चीज़ यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, टोटल सीट का 3 गुना लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन का एक पैरामीटर बना देगा आपका, और नंबर का वेटेज के हिसाब से मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो मान लीजिए बोल देगा 60% जिसका वो बनेगा उसके ऊपर वाले का मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए टोटल कितना सीट है, 9,357 सीट है, तो इसका कितना 3 गुना लड़का लेगा, तो 9 तिया
27,000 से ऊपर लड़कों का सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा कितना, 27,000, ठीक है, 27,000 लड़कों का सिलेक्शन होगा और 27,000 में एक सीट आपको पकड़ना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और वो एक सीट कैसे होगा, देखिए नंबर का वेटेज यहां पर बताया गया, ये कंफ्यूजन लोगों को आज भी बना हुआ है। देखिए समझिएगा, अगर देखिए आप डिप्लोमा किए हुए हैं, मिनिमम डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है, मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 10th करके ही डिप्लोमा किए होंगे, ठीक है, तो अगर आपने 10th किया हुआ तो 10th में आपको मैक्सिमम जो है ना 10 नंबर का वेटेज दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 10 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। अब डिप्लोमा आपने किया हुआ तो डिप्लोमा, अगर आप अमीन या बंदोबस्ती, जी हाँ अमीन या बंदोबस्ती के लिए आप आवेदन कीजिएगा तो आपको डिप्लोमा में 90 नंबर दिया जाएगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा कानूनगो के लिए अप्लाई कीजिएगा तो कानूनगो में आपको मात्र 70 नंबर मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस है तो 5 अंक प्रति वर्ष आपको एक्सपीरियंस में मिलेगा। आप समझिएगा कैसे, अब मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं अमीन के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अमीन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अमीन के लिए आपका 10th में आया कितना है, मान लीजिए 80% आपका 10th में आया है, तो 80% ये हो गया, आपको 10th में कितना नंबर मिल रहा है, 10 नंबर, तो 80 × 10 बटा में 100 कर देते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, बराबर 8 × 8 नंबर आपका 10th में मिल गया, ठीक है। अब डिप्लोमा आपने किया हुआ, डिप्लोमा भी मान लीजिए आपको 90 नंबर आया हुआ है, ठीक है, 90 नंबर नहीं 90% आया हुआ है। अब डिप्लोमा में आपका 90% आया है और आप अमीन के लिए आवेदन करें तो अमीन के लिए देखिए कितना नंबर दे रहा है डिप्लोमा में, 90 नंबर दे रहा, तो 90 × 90/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 9 × 9 = 81 अंक, ठीक है, कितना हो गया आपको मैट्रिक में मिला 8 अंक और डिप्लोमा में कितना मिला 81 अंक, टोटल जोड़ करके कितना हो गया 89 अंक, ये हो गया आपका 89 अंक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, हाँ अमीन में एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है, तो एक्सपीरियंस इसमें अब देना ही नहीं है, तो ये आपका फाइनल परसेंटेज बन जाएगा। और एक बार फिर से समझ लीजिए, अब जैसे हम लोग डिप्लोमा कानूनगो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा कानूनगो के लिए मैट्रिक में आपका आया है 60%, 60 × मैट्रिक में कितना मिल रहा है 10 नंबर, 60 × 10/100 हो गया, कितना हो जाएगा A0 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 कट गया, 6 नंबर आया आपका 10th में, ठीक है। और डिप्लोमा में आपका मान लीजिए आया है 70%, तो 70 × आपको डिप्लोमा में कितना नंबर मिल रहा है कानूनगो के लिए 70 नंबर, तो 70 इधर हो गया बटा में 100 कर दिए, A0 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 कट गया, 7 × 7 = 49 नंबर आपको कितना किस में मिला डिप्लोमा में, 10th में आपको कितना मिला था 6 नंबर और डिप्लोमा में 49 नंबर, 49 × 6 = 55 नंबर आपको मिल गया, समझ में आया। अब कानूनगो में देखिए क्या मांगा है, देखिए कानूनगो में एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 साल का, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है केवल तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस में कोई नंबर नहीं मिलेगा, भूल जाइएगा, 2 साल से ऊपर जितना भी रहेगा तब एक्सपीरियंस का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मान लीजिए 4 साल का अनुभव हो गया, 4 साल है तो 2 साल तो आपको मिनिमम मांगा ही गया, 4 साल का है मतलब 2 साल आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साल आपके पास है तो 5 × 2 कर देंगे, ठीक है, तो 5 × 2 = 10 हो गया, 10 साल आपको एक्सपीरियंस में मिल रहा है, तो 55 + 10 कितना हो जाएगा 65, ये आपका फाइनल बन जाएगा कानूनगो के लिए। अब अगर इस हिसाब से आपका परसेंटेज है तो देख लीजिएगा, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो भी बनेगा 70% तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, अगर इससे ऊपर आपका अगर आ रहा है तो सिलेक्शन परफेक्ट है, वरना फिर भगवान भरोसे। हाँ कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपका बन कितना रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को भी जानकारी हो और भी जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको भी जानकारी हो कि एक फाइनल परसेंटेज कितना निकलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसमें कोई अपडेट निकल करके आती है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।